नमस्कार, मैं हूं विधि अग्रवाल। आप देख रहे हैं खटीमा की आवाज न्यूज। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा अनुसूचित मोर्चा के जिला मंत्री गौरव सोनकर जी। स्वागत है आपका खटीमा की आवाज न्यूज में। आप भाजपा के जिला मंत्री हैं, तो आप क्या कहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोबारा मुख्यमंत्री बने इस बार? देखिए, सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का हृदय की गहराई से धन्यवाद करना चाहूँगा, जो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी पर विश्वास कर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में पूरे उत्तराखंड में जो चुनाव लड़ा गया, इसमें एक बहुत बड़ा मिथक तोड़ा जो पिछले कई वर्षों से चला आ रहा था कि एक बार कांग्रेस की सरकार, एक बार भाजपा की सरकार। इस मिथक को तोड़ने के लिए पहले तो सबसे पहले मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं उनका कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी पर विश्वास जताकर हमें पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार जो है उत्तराखंड में बनाने के लिए हमारा सहयोग किया। और जो भी हमें जनता ने जिस तरह से अपना सहयोग दिया है और हमें सरकार बनाने के लिए अपना इतना योगदान दिया है, उसके लिए जो भी वादे, जो भी 6 महीने जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी रहे तो उन्होंने उत्तराखंड की जनता के लिए 6 महीने में भी बहुत कुछ किया, और कुछ वादे जो किए थे उनको करने के लिए अब वो धरातल पर ला भी रहे हैं। जैसे आपने अभी देखा होगा कि एक वृद्धा पेंशन योजना थी, पहले परिवार के एक ही वृद्ध व्यक्ति को, जैसे महिला या पुरुष, वृद्धा पेंशन एक व्यक्ति को मिलती थी, अब वो योजना भी लागू कर दी गई है। अब हर परिवार के 2 व्यक्ति, दोनों अगर वृद्ध हो चुके हैं, महिला और पुरुष, दोनों व्यक्तियों को वृद्धा पेंशन मिलेगी। इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था और उसको धरातल पर किया है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कोरोना काल में, जब हमारा पूरा विश्व उस महामारी से जूझ रहा था, तो भारत में भी बहुत ही बड़ी त्राही के आई थी और बहुत ही बड़ा, मतलब समझ लीजिए एक तरह से इमरजेंसी ऐसी लग चुकी थी पूरे देश में, हर तरह त्राहिमाम हो रही थी। उस समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब अन्य योजना चलाई थी, उसको आगे भी विस्तारित कर दिया गया है, 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं। और अभी आपने देखा है कि एक ये हमारे कुछ सफाई कर्मचारी जो थे, 166 सफाई कर्मचारी कांग्रेस के चेयरमैन जो हैं इस समय, उनके घोटालों से परेशान थे, जो उन्होंने उनको गलत तरीके से उनको नियुक्त करने के बाद, उनको आपने देखा ही होगा कितना बवाल चला था, पैसा ले दे के जो किया गया था सारा काम, उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास एक हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला जाके वहाँ पे उनकी समस्या को रखा। तो परसों ही उन सभी सफाई कर्मचारियों की का वेतन उनके अकाउंटों में आ चुका है और जल्दी उनको उनकी पहली जो है उनकी सैलरी जो है मिल जाएगी। अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोबारा मुख्यमंत्री बने, तो आपको क्या लगता है कि पिछली बार की तरह इस बार भी विकास होगा या नहीं? देखिए, विकास तो आप देख ही रहे थे खटीमा में कितनी तेजी से विकास हुआ और पूरे उत्तराखंड में कितनी तेजी से विकास हुआ। अब माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, पहले भी 6 महीने के लिए उन्होंने यही कहा था मैं पूरे उत्तराखंड का मुख्यमंत्री हूँ, अभी भी उनका यही कहना है कि मैं पूरे उत्तराखंड का मुख्यमंत्री हूँ। और कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ से हमारी सीटें आई हैं, कहाँ से हमारी सीटें हारी हैं, इन चीज़ों का कोई फर्क नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि मुझे संपूर्ण उत्तराखंड का विकास करना है और विकास करने के लिए वो आगे भी हैं। मुख्यमंत्री जी अपनी ही विधानसभा खटीमा सीट से मुंह का हार देखना पड़ा, तो आपको क्या लगता है इसके बारे में कि वो कितना विकास और कर पाएंगे? देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने बोला है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा है कि अब मैं पूरे उत्तराखंड का मुख्यमंत्री हूँ, मुख्य सेवक हूँ, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम कहाँ से हारे हैं, कहाँ से जीते हैं। उत्तराखंड की समस्त देवतुल्य जनता का के बारे में सोचना, उनके विकास के बारे में सोचना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का पहला कर्तव्य है और वो कर भी रहे हैं इस चीज़ को। हार की बात ऐसी है जो खटीमा में हुआ, खटीमा में विपक्ष बहुत बुरी तरह एक गलत भ्रांतियाँ फैलाने में कामयाब रहा, जिसके अपोजिट हमारे किसी भी, जो मैं कहूँ कि लोग मैनेजमेंट के लगे हुए थे, बड़े जो हमारा बड़े कार्यकर्ता जो हमारे चुनाव को देख रहे थे, जो चुनाव मैनेजमेंट को देख रहे थे, वो जनजाति का एक वोट जो है दूसरे नंबर का सबसे बड़ा वोट है, सबसे नंबर 1 पे पर्वतीय समाज का वोट है और जनजाति। हमारे
विपक्षियों ने क्या किया, जनजाति समुदाय के लोगों को और पर्वतीय समुदाय लोगों को अलग अलग जाके अलग अलग तरीके से उनको भ्रमित करना शुरू किया। उनको जनजाति के लोगों को बोला अगर माननीय मुख्यमंत्री जी जीत जाएंगे तो आपकी जमीन सारी सब समस्त जो जमीन है सारी जमीन है सभी थरवाड की जमीन जो है पर्वतीय समाज को दे दी जाएंगी। और पर्वतीय समाज भी बोला अगर माननीय मुख्यमंत्री जी जीत गए तो वहाँ जनजाति के लोगों के लिए आपकी कोई जमीन अमीन का मतलब जैसी है वैसी रहेगी, मतलब इस तरह से भ्रमित करने में कामयाब रहे। उसके अगेंस्ट में हमारे किसी भी कार्यकर्ता ने, बड़े लेवल के जो लोग थे उन्होंने समझाने की कोशिश ही नहीं की, जो चीज़ संविधान में है ही नहीं उसको कैसे किया जा सकता आप बताइए। जनजाति की जमीन कोई भी सवर्ण व्यक्ति ले ही नहीं सकता, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है, उसको नाम में किया ही नहीं जा सकता। इसे तो जब बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बना रखा है तो इसमें भ्रमित करने का जो काम था वो पूरी तरह से कांग्रेस ने किया और वो उसमें कामयाब रहे। बाकी हमें भी वोट अच्छा पड़ा, 42,000 वोट माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को पड़े हैं, पिछली बार के मुकाबले हमें 12-13 हज़ार वोट ज़्यादा पड़ा है। ये भाजपा का प्रचंड वोट है और कुछ चीज़ें रही हैं, कुछ कमियाँ रही हैं, उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। 2017 में हम लोग जीते थे, अच्छी तरह से चुनाव जीते थे और उसी चुनाव को जीतने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी खटीमा से चुनाव जीतने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री भी बने और उन्होंने संपूर्ण उत्तराखंड, खटीमा सहित संपूर्ण उत्तराखंड का विकास किया और आगे भी करते रहेंगे। मुख्यमंत्री जी हारे हैं, इसका दोष आप किसे देंगे, खटीमा की जनता को देंगे या भाजपा के ही कुछ कार्यकर्ताओं को? देखिए, इसमें किसी को दोष देने की बात नहीं है। खटीमा की देवतुल्य जनता को आपने देखा ही होगा, जब माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ खटीमा आए थे 16 तारीख को, तो उन्होंने बोला था कि खटीमा की जनता का जो भी निर्णय है वो मेरे सरमाथे है और मैं खटीमा की देवतुल्य जनता का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि इसी खटीमा से 2 बार जीतने के बाद प्रथम बार वह मुख्यमंत्री बने हैं। तो इसमें किसी को दोष देने की कोई ऐसी बात नहीं है, ना ही किसी कार्यकर्ता को दोष देने की बात है। हाँ ठीक है, जो लोग हमारे ही कार्यकर्ता कुछ लोग थे जो सही से काम नहीं कर पाए और बूथ लेवल के सभी कार्यकर्ताओं ने दिल से मेहनत की है और उसका परिणाम यही रहा है कि हम 42,000 वोट लेके आए हैं। तो जनता का तो मूड अच्छा ही था, सब कुछ ठीक था, लेकिन जो भ्रमित करने वाले लोग थे वो जनता को भ्रमित करने में कामयाब रहे। लेकिन अब जनता उस चीज़ के बारे में सोच रही है कि हम भ्रमित हो गए और हमने गलत कदम उठा लिया, तो जनता को भी अफसोस है और आगे जाके कांग्रेस यहाँ से ख़त्म हो जाएगी और फिर से यहाँ पे भाजपा का ही एक दोबारा से आपको विधायक नजर आएंगे। और अब हमारी सरकार आने वाले समय में आप देख ही रहे हैं कि एक मिथक टूट चुका है जो सालों साल से चला आ रहा था कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, और प्रचंड बहुमत से मिथक टूटा है। 47 सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी की इस समय उत्तराखंड में आई हैं, ये मिथक हमेशा टूटता रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आने वाले 10-15 सालों के लिए मुख्यमंत्री चयनित कर दिए हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, और नरेंद्र मोदी जी ने कुछ लोगों पर ऐसा तमाचा मारा है जिन लोगों का ये काम रहता है कि किसी मुख्यमंत्री के चेहरे को हराना या उनको भ्रमित करना, उनके खिलाफ अनर्गल बातें फैलाना। माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनाकर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उन लोगों को करारा जवाब दिया है, करारा तमाचा उनके मुंह पे मारा है। मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने खटीमा के लिए बहुत से काम किए थे, तो क्या लगता है जो रुके हुए काम है वो होंगे या उन पर रोक लग जाएगी? नहीं देखिए ना, मैंने आपको बताया रुके हुए काम भी होंगे और आगे भी काम होंगे। अभी आप देखिए कई जो धनराशि कई जगह की रुकी हुई थी सड़कों की, वो आ चुकी है, स्वीकृत हो गई है। 166 मैं बता रहा हूँ सफाई कर्मचारियों का जो मामला चल रहा था, उनकी पहली तनख्वाह की किस्त जो है वो आ चुकी है। और अभी हमारा जो वृद्धा पेंशन के लिए कहा था वो उसको लागू कर दिया गया है। मतलब खटीमा में कोई भी काम जो है रुकेगा नहीं और आगे भी खटीमा का विकास होता रहेगा माननीय मुख्यमंत्री जी के सौजन्य से। अगले 6 महीनों में मुख्यमंत्री जी को उपचुनाव लड़ना है, तो आपको क्या लगता है कि वो कहाँ से उपचुनाव लड़ेंगे? देखिए, आप तो देख ही रहे थे जब मुख्यमंत्री जी खटीमा से चुनाव हार चुके थे तो मुख्यमंत्री आवास पर एक भाजपा ही नहीं मतलब भाजपा के तो विधायक जा ही रहे थे, 2 दर्जन से अधिक विधायकों ने, भाजपा के लोगों ने वहाँ मुख्यमंत्री जी के लिए सीट छोड़ने का ऐलान कर दिया था। उसके अपोजिट कुछ निर्दलीय विधायक भी, और तो मैं कहूँ कुछ कांग्रेस के लोग भी सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं, और ये मुख्यमंत्री जी तय करेंगे, ये हमारे संगठन तय करेगा माननीय मुख्यमंत्री जी किस सीट से लड़ेंगे और कहाँ से लड़ेंगे। और उनको कहीं से भी लड़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी उनको सीट छोड़ने के लिए हमारे खटीमा के, हमारे पूरे उत्तराखंड के जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के और निर्दलीय विधायक भी हैं सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो इसमें कहीं से भी वो लड़ सकते हैं और कहीं से भी लड़के जीत जाएंगे, कोई वो नहीं।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। धन्यवाद।